Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बीते कुछ दिनों से भारतीय दूरसंचार बाजार में एक खबर काफी तूल पकड़ रही है कि रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतों को बढ़ाने जा रही है। तो सच क्या है? क्या सच में जियो अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतों में वृद्धि करने जा रहा है? जियो की मौजूदा टैरिफ प्लान्स के वृद्धि में अफवाहों को लेकर शेयर बाजार काफी उत्साहित है और इस खबर के कारण एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के शेयरों में काफी तेजी आई है। बीते कुछ दिनों में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की शेयरों में क्रमशः 9.3% और 16.5% की वृद्धि हुई है। अफवाहों के आधार पर अगले महीनों में जियो की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। जियो टैरिफ प्लान्स की कीमतों में वृद्धि का सीधा मतलब यह होगा कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड भी अपने टैरिफ प्लान्स की कीमतों को बढ़ाएंगे, परंतु इसका असर हम सब्सक्राइबर्स को भुगतना होगा। अफवाहों के मुताबिक जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने बंडल प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है और उपयोगकर्ताओं को अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर कर सकती है। इस मुद्दे पर IIFL यानी कि इंडिया इंफोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट संजीव बसिन का कहना है कि मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए कम कीमत वाले टैरिफ प्लान्स का अंत हो सकता है, क्योंकि पैसों की उच्च लागत निश्चित रूप से दूरसंचार कंपनियों को चोट पहुंचा रही है और इससे विशेष रूप से पदाधिकारियों पर दबाव पड़ रहा है, जिस कारणवश अगले 2 तिमाहियों में टैरिफ प्लान्स में कुछ वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि COAI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक राजन मैथ्यूज का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऑपरेटर्स को वॉइस और डेटा सर्विसेज के प्लान्स में वृद्धि करने की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेटर्स को अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, डेटा सर्विसेज और वॉइस कॉल्स की सुधार के लिए निवेश करने की जरूरत है, जिसका सीधा असर कंपनियों के टैरिफ प्लान्स में वृद्धि के साथ होगा। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने इन बातों को नकारा है और उनका कहना है कि जियो की कीमतों में अभी कोई वृद्धि नहीं होगी, परंतु कुछ विश्लेषकों ने इन बातों का समर्थन भी किया है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड करीब $3.5 billion की फंड जुटाने पर काम कर रही है, जिससे कि यह नई कंपनी अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में वृद्धि कर सकेगी। जानकारी के लिए बता दें कि 2 वर्ष के अंदर जियो ने करीब 250 मिलियन से भी अधिक ग्राहकों की रिकॉर्ड को पार कर लिया है और इस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी करीब 23% है। इसका मुख्य श्रेय कंपनी के सस्ते प्लान्स और बेहतर गुणवत्ता वाले सेवाओं के कारण हुआ है। हालांकि जियो की प्राइस में अगर वृद्धि होती है तो संभवतः इसकी सब्सक्राइबर बेस प्रभावित हो सकती है। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी मिलते ही हम आपको अपडेट करेंगे। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।